आदिया पेमेंट बैंक में अभी आपको मैक्रो एटीएम फ्री मिलेगा। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो इसमें आपको लास्ट में बताएंगे, वीडियो में पूरा बने रहिए। आपको मैक्रो एटीएम फ्री में मिलेगा, कैसे मिलेगा और आपको कैसे आईडी परचेस करनी है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे लेना है, इसी वीडियो में आपको बताएंगे पूरा आपको प्रोसेस के साथ। और मस्त है इसमें बैंक अकाउंट ओपनिंग है, 13 बैंकों का अकाउंट ओपनिंग इस एप्लीकेशन में होता है। और आपको डेस्कटॉप में भी यूज कर सकते हैं इसको, आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, आसानी से इसमें काम भी कर सकते हैं। और कोई कोई बोलता है कि इसका अकाउंट हमको कैसे मिलेगा, जैसे हम अकाउंट ओपनिंग कर लेते इसका पासबुक हमको कहां से मिलेगा। अगर आप लोग सीएसपी में जाते हैं तो बैंक अकाउंट ओपनिंग करता है तो कैसे देता आपको आप लोग का पासबुक, आप ही सोच के देखिए। पासबुक छोटा सा निकाल के प्रिंट से देता है और मोहर मार के देता है। आपका अपना प्रिंटर से निकालना होगा आप ही को खुद से, और उसको आपको प्रिंट करके आप ग्राहक को देना है, इसी में आपको पासबुक मिल जाएगा। और वहां से आप बैंक अकाउंट करना होगा खुद से, घर बैठे फुल केवाईसी खाता ओपनिंग कर सकते हैं और बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर खाता में आपका 10,000 पैसा हो गया तो खाता में आप डायरेक्ट बैंक जाके उस पासबुक को लेके वहां दे दीजिएगा तो आपको बड़ा पासबुक दे देगा और वहां से आप काम कर सकते हैं आसानी से, सब कुछ बड़ा पासबुक में दे सकते हैं। और अपना फोटो चिपका लीजिए, 2 फोटो लेके जाइएगा तो आपका बैंक पासबुक मिल जाएगा। तो इस आईडी को लेना कैसे है इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, भाई का नाम है अजीत कुमार यादव और मेरा चैनल में स्वागत है। अगर मेरा चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दोस्तों। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आगे बढ़ते हैं, कुछ आइडिया पेमेंट के बारे में हम बातें कर लेते हैं। फ्री में तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए हम अब वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोसेस इसमें मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि IYDA पेमेंट बैंक, तो यहाँ पे इसको हम लॉगिन कर लेते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड इसको भी अगर लेना चाहते हैं अगर, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो यहाँ सबसे यूजर आईडी यहाँ पे हम डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन जो लिखा है लॉगिन नाउ, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान पूर्वक, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है अकाउंट ओपनिंग, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सिंपली आप कस्टमर ने तो अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, फादर नाम डाल दीजिएगा, मदर नाम डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हम फटाफट फिल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पूरा फिल कर लिए। फिल करने के बाद यहाँ रजिस्टर के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 बैंकों का खाता ओपन कर सकते हैं, वो भी फुल KYC में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा ओपन अकाउंट लिखा है, यहाँ पे आप 13 बैंकों का खाता अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, वो भी फुल KYC में। ये ध्यान पूर्वक सुन लें। उसके बाद यहाँ पे लिखा है केनरा बैंक, कौन कौन बैंकों का खाता आप खोल सकते हैं, तो यहाँ पे आप सुन लीजिए। केनरा बैंक लिखा है, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद HDFC बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक SBI, उसका IDBI बैंक, और यहाँ पे है क्या, और नीचे में NSDL बैंक, RBL बैंक। ये सब आप 13 बैंकों का खाता आप ओपन कर सकते हैं, और बहुत सारा है लेकिन शो नहीं कर रहा है, शो करेगा। तो आपको करना क्या होगा, अगर इसको खोलना तभी चाहते तो वीडियो को अभी भी अंत तक देखिए। अगर तो इसमें और क्या क्या सर्विसें हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसको बैक कर लिए, बैक करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट के बारे में बता दिए, उसके बाद यहाँ पे आधार अपडेट भी है, उसका सर्विस प्लस है, उसके बाद यहाँ पे GST फिलिंग है, IT रिटर्न है, वोटर पोर्टल है, गेम पोर्टल है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड पोर्टल है, CA सर्विसेज है, MSME सर्विसेज है, इतना सारा इसमें सर्विस है। वोटर कार्ड भी बना सकते हैं, आधार भी अपडेट कर सकते हैं आप, उसका आय प्रमाण पर जाति सब पूरा बेटे बना सकते हैं, इसमें भी अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका एप्लीकेशन के कुछ बारे में हम बात कर रहे थे, पूरा आपको फ्यूचर खोल खोल के नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम पूरा खोल खोल के पूरा नहीं दिखा सकते हैं। तो चलिए अभी हम शॉर्ट कट में वीडियो बनाते हैं और बाद में जब वीडियो आएगा अकाउंट ओपनिंग के बारे में आएगा, आधार अपडेट के बारे में आएगा, सर्विस प्लस के बारे में आएगा, APS के बारे में आ जाएगा, सब चीज के बारे में आ जाएगा।
दूसरा बात यह है कि इसमें आप वेबसाइट में भी जाके आप पेमेंट मतलब निकासी कर सकते हैं एपीएस के द्वारा। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप भी देख सकते हैं, उसके बाद यूटिलिटी रिचार्ज, बिल पेमेंट, फाइनेंसिंग सर्विस, टैक्स सर्विस, पैन कार्ड, बैंकिंग सर्विस, सर्विस लिंक, मेंबर फाउंड, एपीएस फाउंड, एजेंट लिस्ट, ट्रांजैक्शन, अकाउंट स्टेटमेंट, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल्स के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं और यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट आप भी पा सकते हैं। 24 घंटे आपकी सपोर्ट में कंपनी लगे रहेगी। और दूसरा बात है कि एप्लीकेशन को हम ओपन करके हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन आप देख लिया IYDA पेमेंट बैंक, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड हम डाल के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है, मोबाइल एप्लीकेशन उसको हम ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन बैलेंस एपीएस बैलेंस, तो ये मेन बैलेंस हो गया कि लोड बैलेंस। यहाँ पे एपीएस में अगर बैलेंस रहेगा तो इसको वीडियो देखने में मजा आता है, वीडियो कर देगा लाइक। तो आईडी आपको कैसे लेना है, आईडी आपको कैसे लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट करके या फिर व्हाट्सएप करके आसानी से आप ले सकते हैं। लेकिन इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है इसमें आपको पता नहीं चला, लेकिन अभी सुन लीजिए। टर्म एंड कंडीशन इसमें यह है कि आप लोग मतलब 2 महीना में 10 लाख का ट्रांजेक्शन आपका एपीएस सर्विस में रहना चाहिए, तभी आपको आपको मैक्रो एटीएम मिल जाएगा। 10 लाख ट्रांजेक्शन सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है, तभी आपको मैक्रो एटीएम। मैक्रो एटीएम का भी प्राइस आप लोग जानते हैं, मिनिमम आपको 2500 लग जाएगा। 2500 का प्राइस आप लोग जान सकते हैं। ऑफर में आपको दे रहा है सर कि कंपनी की मेरा रिटेलर काम करेगा, 10 लाख अगर निकासी जमा करेगा तभी ना आपको देगा, अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो कहां से देंगे। तो यही बात है, आपको 10 लाख ट्रांजेक्शन आपको करना होगा एपीएस सर्विस में, तब आपको माइक्रो एटीएम फ्री मिलेगा। इसलिए बोलते हैं अगर रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मोबाइल नंबर मिलेगा, वहां से आप आसानी से ले सकते हैं। तो वीडियो देखने मजा आया तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय दोस्तों, टेक केयर।